श्री महाभारत खिल भागे द्विचत्वारिंशोध्याय में भगवान नरसिंह का देवता गंधर्व अप्सराओं तथा दैत्यों से सेवित हिरण्यकश्यप को देखना। विषम्बान जी कहते हैं, जन्मेजय उस सभा में प्रभावशाली दैत्यराज हिरण्यकश्यप चार हाथ लंबे एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ था। वह सिंहासन सूर्य के समान प्रभा पुंज से परिपूर्ण रमणीय तथा दिव्य बिछौनों से ढका हुआ था। उस पर देह से बैठा हुआ हिरण्यकश्यप बड़ी शोभा पा रहा था। उसके कानों में सोने के कुंडल अपनी दिव्य दीप्ति से दमक रहे थे। दिव्य सुगंध का भार वहन करने वाली वायु वहां सब ओर से दैत्यराज के सम्मुख आकर के मंद गति से चलती बहती थी। उसमें तनिक भी धूल का कण नहीं रहता था। वहां देवता तथा अप्सराओं से घिरे हुए गंधर्व गायक बन करके दिव्य ताल के साथ दिव्य गीत गाते थे। विश्वाची सहजन्या परलोमचा दिव्या सौरभई समीची पुंजिक सथला मिश्र केशी रंभा चित्रसेना सुचिस्मता चारुनेत्रा घृताची मेनका और उर्वशी ये तथा अन्य सहस्त्रों अप्सराएं जो नृत्य गीत में कुशल थी उस समय राजा हिरण्यकश्यप की सेवा में उपस्थित होती थी। उस सभा में विचित्र वस्त्र आभूषण से विभूषित और जगमगाते हुए कुंडलों से अलंकृत हिरण्यकश्यप सहस्त्रों स्त्रियों से घिर करके बैठा था। वहां बैठे हुए प्रभावशाली महाबालू हिरण्यकश्यप की सेवा में वे सारे दैत्य उपस्थित होते थे जो पहले वर प्राप्त कर चुके थे। विरोचन कुमार बलि पृथ्वी विजय नरक प्रहलाद विपरचिति महान असुर गविष्ठ चंद्रहंता क्रोधहंता सुमना सुमति खर घटोदर महापार्श क्रथन पीठर विश्वरूप रूप महातजस्वी विरूप दशग्रीव बाली मेघवासा महारव कटाभ विक्ताभ सरलाद तथा इंद्रतापन आदि दैत्यों और दानवों के समस्त समुदाय जो प्रज्वलित कांति वाले कुंडलों से अलंकृत पुष्पमालाधारी तथा कुशल वक्ता थे और जो सब के सब भांति भांति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर चुके थे, वरदान पाए हुए थे, शूरवीर थे और मृत्यु के भय का निवारण कर चुके थे, ये तथा दूसरे भी बहुत से दैत्य वीर दिव्य उपकरणों से युक्त होकर के प्रभावशाली महामना हिरण्यकश्यप की उपासना करते थे। ये नाना प्रकार के श्रेष्ठ तथा किरणों से प्रकाशित विमानों द्वारा लीला पूरक होते जाते थे। पुष्पहार और आभूषण धारण कर सुशोभित होते थे। ये विचित्र आभूषण और विचित्र वस्त्र धारण करते थे और विचित्र शस्त्र कवच ध्वज और वाहनों का उपयोग करते थे। इंद्रधनुष के समान विचित्र रंग वाले श्रेष्ठ अंगदों से अपनी भुजाओं को विभूषित करके आए हुए दैत्य प्रतिदिन हिरण्यकश्यप की उपासना करते थे। उस दिव्य सभा में बैठे हुए वे सभी प्रताकार असुर मस्तक पर सोने के मुकुट धारण किए सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। जहाँ सोने और मणियों की विचित्र वेदिकाएं बनी थी, जिसकी गली गली में शस्त्र और रत्न संचित थे तथा जो रुचिर हाथी दांत के बने झरोखों से आवृत थी, उस सभा में मृगराज भगवान नरसिंह ने दितिनंदन हिरण्यकश्यप को देखा। उसका अंग सोने के निर्मल हारों से भूषित था। उसकी प्रभा सूर्य की किरणों के समान उद्भासित होती थी, जिससे वह प्रज्वलित सा जान पड़ता था और सहस्त्रों असुरों के गण उसकी सेवा में लगे हुए थे। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार के प्रसंग में 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। 43वें अध्याय में प्रहलाद को नरसिंह विग्रह में समस्त त्रिलोकी का दर्शन। विषम्बान जी कहते हैं, जन्मेजय तंत्र राग से ढकी हुई आग की भांति नरसिंह शीर में छिपे हुए महाबाहु भगवान विष्णु को वहां कालचक्र के समान आया देख करके समस्त दानव और हिरण्यकश्यप आपस में कहने लगे, अहो
ये शंख कुंद और चंद्रमा के समान विचित्र रूप दिखाई दे रहा है। भगवान नरसिंह के मुख और गर्दन के बाल घुंघराले थे, उनका रूप सुंदर्य सहस्त्र चंद्रमा का के समान प्रकाशित होता था। भगवान नरसिंह रूपी मृत्यु से प्रेरित और उनकी नेत्र अग्नि से दग्ध होते हुए वे विशालकाय दानव जब आपस में उपयुक्त बातें कह रहे थे, उस समय हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद नामक पराक्रमी दैत्य ने वहां पधारे हुए नरसिंह भगवान को दिव्य दृष्टि से देखा। सोने के पर्वत की भांति पूर्व शरीर धारण किए भगवान जी को देख करके समस्त दानव और हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो रहे थे। उस समय प्रह्लाद जी बोले, महाराज महाबाहो, दैत्यों के आदि संभव पुरुष पूर्व पुरुष, मैंने ऐसा नरसिंह रूप ना तो कभी देखा और ना सुना ही, जिसकी उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, ऐसा ये दिव्य अद्भुत रूप क्या है? हमारा मन तो ऐसा कहता है कि यह कोई दैत्यों का विनाश करने वाला भयंकर भूत है। इसके शरीर में समस्त देवता समुद्र तथा सरिताएं दिखाई देती हैं। हिमवान परियात्र तथा अन्य जो कुल पर्वत हैं वे भी यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। नक्षत्रों सहित चंद्रमा आदित्य अश्विनी कुमार कुबेर वरुण यम शचीपति इंद्र मरुदगण देवता गंधर्व तपोधन मुनि नाग यक्ष पिशाच भयंकर प्रकर्म राक्षस ब्रह्मा जी तथा भगवान पशुपति शिव, ये सब इनके ललाट में स्थित जान पड़ते हैं। स्थावर और जंगम भूत सब दैत्य गणों से घिरे हुए हमारे साथ आप सैकड़ों विमानों से भरी हुई हमारी ये आंतरिक सभा, सारी त्रिलोकी तथा सनातन लोक धर्म, ये सब के सब इस नरसिंह विग्रह में उसी तरह दिखाई देते हैं जैसे महान दर्पण के समान निर्मल चंद्रमंडल में नेत्रों की धारणा करने से ये संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर होता है। इस नरसिंह विग्रह में प्रजापति महात्मा मनु ग्रह योग पृथ्वी आकाश पात काल धीति समृति रजोगुण सत्वगुण तप और इंद्रिय संयम सभी दिखाई देते हैं। मान भाव सनत कुमार विश्वदेव समस्त अप्सराएं काम क्रोध हर्ष दप दर्प मोह और सारे पितर भी इनमें दृष्टिगोचर होते हैं। दैत्यराज के पुत्र परम बुद्धिमान प्रह्लाद बिना किसी विस्मय के उस उग्र दैत्यपति हिरण्यकश्यप से उपयुक्त बात कह करके अपना मुंह कुछ नीचे करके पूर्व दिशा की ओर ध्यान करने लगे। इस प्रकार श्री महाराज महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार के प्रसंग में प्रह्लाद का वाक्य विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। 44वें अध्याय में दैत्य तथा हिरण्यकश्यप द्वारा नरसिंह पर विभिन्न अस्त्रों का प्रहार। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजी प्रह्लाद की ये बात सुनकर के दैत्य गणों के अधिपति हिरण्यकश्यप ने गणों सहित संपूर्ण दानवों से ये बात कही, दैत्यो अपूर्व शरीर धारण करके आए हुए इस वनचारी मृगेंद्र सिंह को शीघ्र ही पकड़ लो और यदि कोई संशय प्राण संकट उपस्थित हो तो इसका वध कर डालो। ये आदेश सुनकर के वे समस्त दानव प्रसन्न होकर के उस भयंकर पराक्रमी सिंह पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए उसे बलपूर्वक त्रास देने लगे। तब उस महाबली सिंह ने मुंह बाएं हुए काल की भांति बारंबार सिंह नाद करके उस रमणीय सभा भवन को तोड़ डाला। सभा भवन में तोड़ फोड़ आरंभ होने पर हिरण्यकश्यप के नेत्र रोष से व्याकुल हो गए, अतः उसने स्वयं भी उस अलौकिक सिंह पर नाना प्रकार के अस्त्र चलाए। सब अस्त्रों में श्रेष्ठ जो अत्यंत भयंकर दंड अस्त्र था उसको भी चलाया।
उसके सिवा अत्यंत उग्र काल चक्र, विष्णु चक्र, धर्म चक्र, महाचक्र, अजीत चक्र, घोर ऐंद्र चक्र, ऋषि चक्र, ब्रह्म चक्र, जिसकी गड़गड़ाहट की तीनों लोकों में भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है, वह विचित्र अश्नी सुखी गीली दो प्रकार की अश्नी, भयानक रौद्र अस्त्र, शूल कंकाल मूसल ब्रह्मशिर नामकस्त्र, ब्रह्म अस्त्र ऐशिकास्त्र, इंद्रस्त्र, आग्नेयस्त्र, शैशिर अस्त्र, वायव्य अस्त्र, मथन अस्त्र, कपाल अस्त्र, किंकर अस्त्र, अप्रतिम शक्ति, क्रौंच अस्त्र, हयग्रीव अस्त्र, सौम्य अस्त्र, अनुपम पैशाच अस्त्र, अद्भुत सर्प अस्त्र, मोहन अस्त्र, शोषण अस्त्र, संतापन अस्त्र, विलापन अस्त्र, जृंभन अस्त्र, प्राशन अस्त्र, अत्यंत दारुण त्वाष्ट्र अस्त्र, अशोभ्य काल मुद्गर महाबलवान शोभन अस्त्र, संवर्तन अस्त्र, सम्मोहन अस्त्र, मायाधरा अस्त्र, तथा प्रिय गंधर्व अस्त्र, खड़ग रत्न नंदक, प्रवापन अस्त्र, प्रमथन अस्त्र, उत्तम वरुण अस्त्र, तथा जिसकी गति कहीं भी कुंठित नहीं होती वह पाशुपत अस्त्र। इन सभी अस्त्रों को उस समय हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह पर बारी बारी से चलाया, मानो वह प्रज्वलित अग्नि को आहुति दे रहा। असुरेश्वर हिरण्यकश्यप ने तेज से प्रज्वलित हुए अस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को ढक दिया, ठीक वैसे ही जैसे ग्रीष्म ऋतु में भगवान सूर्य हिमालय को अपनी किरणों से आच्छादित कर देते हैं। दैत्यों के सैन्य रूपी समुद्र ने रोष रूपी वायु के वेग से उद्वेलित होकर के क्षण भर में भगवान नरसिंह को उस तरह अप्लावित सा कर दिया जैसे सागर में नाग को अपने जल से डुबो देता है। प्रास पास शूल गदा मूसल वज्र अशनि शिला बड़े बड़े वृक्ष मुद्गर कूट पास शूल ओखली पर्वत प्रज्वलित शतघ्नि तथा अत्यंत भयंकर दंड आदि अस्त्रों द्वारा दैत्य उन्हें सब ओर से घेर करके मारने लगे। परंतु उस समय उन तेजस्वी महात्मा नरसिंह के शीर का थोड़ा सा भी भाग शत विशत नहीं हुआ। उन दानों ने अपने हाथों में पांच ले रखे थे, उनका वेग इंद्र के वज्र और अश्विनी के समान था। वे सब और अस्त्र शस्त्र लिए दोनों बाहें ऊपर उठाए खड़े थे, इसलिए तीन फल वाले श्रेष्ठ सर्पों के समान जान पड़ते थे। उनके अंग स्वर्णमालाओं के समुदाय से भूषित थे, नाना प्रकार के अंगद बाजू बंद आदि आभूषण उनके विचित्र रंगों से जुड़े हुए थे और मोतियों के हार उनके समस्त अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अवस्था में वे दैत्य विशाल पंख वाले हंसों के समान शोभित होते थे। उन वायु के समान बलशाली दैत्यों के उत्तम अंग बाजूबंद हार और वले कड़े आदि आभूषणों से अलंकित होकर के प्रभात काल के सूर्य की किरणों के समान कांतिमान एवं शोभा संपन्न हो रहे थे। जैसे निरंतर वर्षा करने वाले घने बादलों से पर्वत पर अंधकार छा जाता है तथा उसकी कंदराइन और वृक्ष अद्भुत रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार अपने ऊपर फेंके जाने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बड़े बड़े अस्त्रों के समूह से आच्छादित हुए भगवान नरसिंह अंधकार अच्छन्न एवं अद्भुत प्रतीत होते थे। उस समय सब दैत्य एकत्र होकर के बड़े बड़े अस्त्रों के समुदाय से उन पर आघात कर रहे थे, तभी वे प्रतापी भगवान नरसिंह उस युद्ध स्थल में कंपित नहीं हुए। वे स्वभाव से ही हिमालय पर्वत की भांति अवचल भाव से खड़े रहे। नरसिंह रूपधारी भगवान का तेज अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था।
उससे संतापित हुए देव भय से विचलित हो उठे, मानो प्रचंड वायु के थपेड़े खा करके महासागर के जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगी हों। वे महान असुर अत्यंत वेगशाली थे, उनके सारे अंग क्रोध से जल रहे थे। अतः वे 100 धनुषों की दूरी पर एक स्थान में खड़े होकर के उन नरसिंह देव पर परले काल की अग्नि के समान तेजस्वी बाण समूहों को छोड़ने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार विषय 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। पंचचत्वारिंशोध्याय में दैत्यों द्वारा किए गए प्रहारों और रचे गई मायाओं की निष्फलता। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन दानवों में कुछ तो मूर्तिमान गधे ही थे और कुछ दानवों के केवल मुख गधों के समान थे। कितनों के मुख मगरों और विस्थर सर्पों के समान थे, किन्हीं के मुख भेड़ियों के समान और किन्हीं के सूरों के समान थे। कितनों के मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण कांति से शोभित थे। कई दानव धूम केतु से मुख वाले थे। कुछ दैत्यों के मुख पूर्ण चंद्र अर्ध चंद्र तथा प्रज्वलित अग्नि के समान थे। किन्हीं के मुख हंसों के समान थे तो किन्हीं के मुर्गों के समान। कितने ही दैत्य मुंह माए रहते थे, अतः बड़े भयंकर जान पड़ते थे। किन्हीं किन्हीं के 5 मुख थे। कोई कोई लपलपाती जिहा से अपने जबड़े चाटते थे और कितने ही दैत्य कौओं तथा गीदों के समान मुख वाले थे। किन्हीं की जिहा बिजली के समान चमकती रहती थी। किन्हीं के 3 सिर थे। कोई कोई उल्का के समान मुख वाले थे तथा बल के घमंड से भरे हुए दूसरे बहुत से दानव बड़े बड़े ग्राहों के समान मुख धारण करते थे। भगवान नरसिंह का श्री विग्रह कैलाश पर्वत के समान उज्ज्वल था। वे सर्था अवध्य थे। उनके शीर में दैत्यों द्वारा की गई बाणों की वर्षाओं ने तनिक पीड़ा उत्पन्न नहीं की। इसी तरह फंकारते हुए सर्पों के समान उन कुपित हुए दानवों ने भगवान नरसिंह की छाती में पुनः दूसरे दूसरे घोर बाणों का प्रहार किया। भगवान नरसिंह पर चलाए गए दानवों के वे घोर बाण पर्वत में अदृश्य हो जाने वाले जुगनुओं के समान आकाश में ही विलीन होंगे। तब क्रुद्ध हुए दैत्य उन नरसिंह देव पर बड़ी शीघ्रता के साथ दिव्य चक्र चलाने लगे, जो सब ओर से प्रज्वलित से हो रहे थे। चलाए जाते हुए उन चक्रों से घिरा हुआ आकाश परले काल में प्रकाशित होने वाले अनेकानेक चंद्र सूर्य आदि ग्रहों से व्याप्त हुआ सा प्रतीत होता था। वे चक्र भगवान नरसिंह के मुख में प्रवेश करते चले जा रहे थे। उस समय वे मेघों की भयंकर उदर दरी में घुसने वाले चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान जान पड़ते थे। महात्मा नरसिंह ने आग की ज्वालाओं के समान प्रज्वलित होने वाले वे सब चक्र निगल लिए। तब दैत्य हिरण्यकश्यप ने पुनः प्रज्वलित अग्नि के समान प्रभावशाली एक प्रबल एवं भयंकर शक्ति छोड़ी। उस उत्तम शक्ति को अपनी ओर आती देख करके भगवान नरसिंह ने भयंकर हंकार मात्र से तत्काल उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान नरसिंह द्वारा भग्न होकर के पृथ्वी पर पड़ी हुई वह शक्ति आकाश से गिरी हुई चिंगारियों सहित प्रज्वलित विशाल उल्का के समान शोभा पाती थी। नरसिंह देव को लक्ष्य करके दूर से छोड़ी गई बाणों की पंक्ति भील कमल दलों की उज्जवल माला के समान शोभित हो रही थी। तब भगवान नरसिंह इच्छा के अनुसार गर्जना करके मोह से इधर उधर विचरण करके दैत्यों की उस सेना को उसी प्रकार उखाड़ फेंकने लगे जैसे वायु तिनकों के अग्रभाग को उड़ाती है।
तब आकाश में स्थित हुए वे दैत्यराज पत्थरों की वर्षा करने लगे। उनके एक एक शिलाखंड वृक्षों के बराबर होते थे। वे महान कांतिमान पर्वत शिखरों का प्रहार करते थे। भगवान नरसिंह के शीर पर पड़ती हुई प्रस्त्रों की वह विशाल वर्षा खड़्गोत समूह की भांति दसों दिशाओं में बिखरने लगी। जैसे बादल अपनी धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देते हैं, उस प्रकार वे दैत्य उन प्रस्तर समूहों की वर्षा से शत्रुदमन नरसिंह देव के धकने लगे। जैसे भयंकर वेग वाले समुद्र बल में बड़े चढ़े पर्वतों को विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार वे दैत्य समूह वहां खड़े हुए नरसिंह देव को पीछे नहीं हटा सके। तंत्र प्रस्त्रों की वर्षा बंद हो जाने पर जल की वर्षा आरंभ हुई। चारों ओर धुरों के समान मोटी धाराओं के साथ घोर वर्षा होने लगी। आकाश से प्रचंड वेगशा वाली सहस्त्रों जल धाराएं गिरने लगी। उन्होंने आकाश दिशा और विदिशाओं को भी सब ओर से आवृत कर लिया। जल की धाराओं के गिरने, प्रचंड वायु के वेगपूर्वक बहने और वर्षा की उत्तरोत्तर वृद्धि होने से कुछ भी सुझाई नहीं देता था। जल की धारा आकाश से वसुधा तक लगी हुई थी और सब ओर फैल रही थी। भूतल पर निरंतर गिरती रहने पर भी वे धाराएं वहां नरसिंह देव का स्पर्श नहीं कर पाती थी। वे मृगेंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपनी माया के द्वारा युद्ध स्थल में खड़े थे। उस समय बाहर की ओर तो जल की वर्षा होती थी, किंतु मेघ उसके ऊपर जल नहीं गिराते थे। जब भयंकर पत्थरों की वर्षा नष्ट हो गई और जल की वर्षा भी सोख ली गई, तब दानवों ने सब और माया में अग्नि और वायु की सृष्टि की। आकाश से चारों ओर प्रचंड वेगशाली ज्वालामालाओं से अलंकृत महाभयंकर तथा प्रज्वलित तेज से युक्त अग्नि की वर्षा होने लगी। उस महामनसी दैत्यराज के द्वारा उत्पादित हुआ वह महातेजस्वी पावक उस अनुपम शक्तिशाली नरसिंह देव को दग्ध नहीं कर सका। अमित तेजस्वी सहस्त्रलोचन इंद्र ने मेघों के साथ आकर के भारी वर्षा जल वर्षा करके उस अग्नि को बुझा दिया। उस अग्नि में माया के नष्ट हो जाने पर दानवों ने युद्ध स्थल में सब और घोर एवं तीव्र अंधकार की सृष्टि की। जब सारा जगत अंधकार से अच्छन्न हो गया और दैत्य लोग हाथ में हथियार लेकर के युद्ध के लिए उद्यत हो गए, उस समय भगवान नरसिंह अपने तेज से सूर्य देव की भांति प्रकाशित उठे। उस समय दानवों ने रण क्षेत्र में भगवान जी के ललाट में तीन शिखाओं से युक्त भ्रकुटी देखी, जो त्रिकूट पर्वत पर स्थित हुई त्रिपथिका गंगा के समान शोभित होती थी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबा गरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार विषयक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ।